युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 3 जनवरी 2020 दिन शुक्रवार, पौष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज अष्टमी तिथि सुबह 11:26 तक रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 11:08 से लेकर 12:25 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कि मेष शनि के एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति की सहायता लेने से आपको अपने व्यापार में लाभ होगा और आज आपकी इनकम में भी इजाफा होगा। आज आप अपने आप को मानसिक रूप से सुखी महसूस करेंगे और भगवान द्वारा बख्शी गई सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी एकदम उत्तम रहने वाला है, जिससे आप अपने आप को पूर्ण रूप से जोशीला महसूस करेंगे। आज स्वयं का व्यापार करने वाले व्यक्तियों का भाग्योदय हो जाएगा और आज आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप पर धन की वर्षा हो रही है। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आज एक के बाद एक नए कस्टमर्स आपके पास आते रहेंगे और बड़े बड़े ऑर्डर प्राप्त होने से आप भारी मुनाफा कमाएंगे। आज आपको अपने पिताजी से किसी बात पर विवाद हो सकता है। यदि आप आज इस बात का ध्यान रखें कि आपके पिताजी आपसे उम्र में बड़े हैं और आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, तो आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर पाएंगे। आज अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। मेष राशि वालों, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, या मेहनत करने के बाद भी आपके एग्जाम से अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित रूबी की अंगूठी को धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए, और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह चमत्कारी उपाय जिसे करके आज किसी भी राशि का कोई भी जातक मन चाहा जीवन साथी प्राप्त कर सकता है। आज आप प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर अपने घर में एक केले का पेड़ छोटे गमले में लगाएं। इसके बाद आप उस पेड़ की पूजा धूप दीप दिखाकर करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोबारा दोहरा रहा हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इसके बाद आप आज से शुरुआत करके नित्य ही केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मनचाही जीवन साथी की तलाश जल्द से जल्द पूरी होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूँ। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उनको उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के तहत जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया, ये मेरे को अंगूठियाँ पहनाई और मेरे को जिस दिन से पहने कहने मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे को मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार एक शनि मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर कुवैत में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।